सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो राइट नाउ मैं हूं माथेरान के गार्डन में, हिल स्टेशन के ये छोटा सा गार्डन है। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, ये है मेन मार्केट, जो कि आपको बहुत सारे वैरायटीज का शॉपिंग करने को मिल जाएगा यहाँ पे। और मलाई गोला मैगी खाना रहेगा तो आप खा सकते हैं मार्केट में। अभी हम लोग सोच रहे हैं लूजिया पॉइंट और सनसेट पॉइंट कवर करने का। यहाँ से हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगेगा। सो हम लोग हॉर्स करने का प्लान किया है और सामने हॉर्स रेडी है। हम लोग ने 5 हॉर्स बोला था पर अभी तक 2 ही आए और 3 आने का बाकी है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं हॉर्स का। ओके, सो वी आर ऑल सेट टू गो। मेरे घोड़े का नाम सुंदर है और तेरे घोड़े का नाम क्या है ब्रो? क्या बॉडी गार्ड? यहाँ पे सब लोग बैठ रहे हैं घोड़े पे। राइट नाउ इट्स 4:20 और हम लोग को सनसेट भी देखने गए हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैं घोड़ा सेल्फ चला रहा हूँ, ट्रेंड घोड़ा है सो इसलिए मैं भरोसा कर रहा हूँ इसके ऊपर। नहीं तो अब इसका नाम है सुंदर, तारक मेहता का याद आया सुंदर भाई। सो फुल ट्रेंड घोड़ा है, 12 साल हो गए, पुराना घोड़ा। और ये घोड़ा रेस में भी बहुत भागा हुआ है सो फुल एक्सपीरियंस है इसको। यहाँ पे भैया से मैंने फुल ट्रेनिंग लिया है, लेट्स सी। अभी हम लोग आए हनीमून पॉइंट, जो कि 2 मिनट्स वॉक है यहाँ से, और इसके बाद जाने वाले लूजिया पॉइंट। लूजिया पॉइंट को 20 मिनट्स लगेगा। सो ये जल्दी जल्दी हम लोग कैप्चर करने हैं, पॉइंट कवर करना है, बिकॉज सनसेट एग्जैक्ट 6 o'clock के आसपास होता है। सो हम लोग को उसके टाइम के पहले हम लोग को वापस जाना है वो स्पॉट पर, अच्छा सनसेट व्यू एन्जॉय करने के लिए। और ये है हनीमून पॉइंट। लास्ट टाइम मैं जब आया था 3 years बैक आया था, आई थिंक कोरोना के पहले ही, तब ये ब्लॉक्स वगैरह कुछ नहीं था, तभी प्रॉपर जंगल टाइप रास्ता था। और अभी अच्छा खासा ब्लॉक्स एंड ऑल बनाया है यहाँ पे पॉइंट को विजिट करने के लिए। ये तो पहले कच्चा रास्ता था, पूरा कच्चा झाड़ियों के बीच में से हम लोग जाके आए थे, तभी प्रॉपर जंगल टाइप रास्ता था। और अभी अच्छा खासा ब्लॉक्स बनाया है यहाँ पे पॉइंट को विजिट करने के लिए। ये हनीमून पॉइंट सिर्फ छोटा सा पॉइंट ही है, ऐसे आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। सामने है लुइजिया पॉइंट, वहाँ पे भी हम लोग जाने वाले अभी, पर वो रास्ता पूरा अभी हम लोग हनीमून पॉइंट में पूरा कवर करके पूरा गोल घूम के हम लोग को वापस जाने के, सो इट विल टेक टाइम 15 to 20 minutes। और ये हनीमून पॉइंट सिर्फ नाम के लिए, मीन्स पॉइंट है एग्जैक्ट, और अलग कुछ मत समझना। सो राइट नाउ वी आर एट लुइजिया पॉइंट, जो कि फाइनली 10-15 मिनट के बाद आ गया, जो कि हम लोग फास्ट चला रहे थे, वी आर प्रोफेशनल्स ना, इसलिए हम लोग फास्ट घोड़े को भाग भाग के ला रहे थे इधर। जोक सपाट, थोड़ा सा फास्ट चल रहा था हम लोग का घोड़ा, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आए। और यहाँ पे ही एग्जैक्ट 3 पॉइंट है, एक सामने है लुइजिया पॉइंट, इधर एलिफेंट हेड पॉइंट, और सामने लॉयन हेड पॉइंट। एलिफेंट महाबलेश्वर का कहाँ पे चला गया मैं, महाबलेश्वर में एलिफेंट हेड है, यहाँ पे लॉयन हेड है, और यहाँ पे आदिवासी का विलेज है कौन सा, तो और एक पॉइंट है। सो यहाँ पे एक ही स्पॉट में 3 पॉइंट्स है, और ये सबसे बेस्ट पॉइंट है लुइजिया पॉइंट, बिकॉज यहाँ से आपको इको पॉइंट का व्यू भी दिखेगा, लेक व्यू भी मिलेगा, और लेफ्ट साइड में 3-4 स्पॉट्स है वो पॉइंट्स के सीनरीज देखने को आपको मिलेंगे, जो कि वो पॉइंट से आप देख नहीं सकते। सामने एग्जैक्ट है वो है इको पॉइंट, ये है लॉयन हेड पॉइंट। और ये लोग पागल लोग है, उधर इतना रिस्क लेके क्यों जाने गए इतना एंड तक, लाइफ है भाई काई को इतना रिस्क ले रहे हो। गाइस 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 कैसे दिख रहा है एग्जैक्ट लॉयन हेड? दिखा? और ये है लुइजिया पॉइंट, यहाँ से मस्त पैरानोमा व्यू आता है। सामने आप देख सकते हैं लेक, आई थिंक रिजर्व वायर है। इको पॉइंट वगैरह लेक व्यू पॉइंट जाने से अच्छा आप लुइजिया पॉइंट आओ, आपको बहुत ऑसम व्यूज देखने को मिलेंगे यहाँ से। एज यू कैन सी लेफ्ट में आप अलग व्यू देख सकते हैं, सामने अलग व्यू देख सकते हैं, और राइट साइड में माउंटेन्स का व्यू देख सकते हो। यहाँ से मस्त क्लियर व्यू आ रहा है लॉयन हेड का, आप देख सकते हैं लॉयन का आँख के मुँह और लॉयन का नाक।
और अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, जो कि ये दो माउंटेन्स के बीच में से सनसेट होने वाला है, और वो पॉइंट एंजॉय करने के लिए हम लोग दूसरे जगह जाने वाले। घट पकड़ बता, पूरा स्लोप है नीचे, और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बैक साइड रहने के लिए बोला है। हेलो, हाउ आर यू। यहाँ पे हम लोग राइट टाइम पे एग्जैक्ट 6 बजे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है, और यहाँ पे मंकीज बहुत सारे है, इसमें डॉगी भी आ गया। सामने कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, वाओ। सो यहाँ पे प्रॉपर वो वी शेप का माउंटेन, इसके बीच में सनसेट होने वाला है। ला सबका ध्यान यहाँ पे ये बिस्किट के ऊपर है, देखो 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 देखो, हाथ दे डॉगी। कौन कौन देंगे? मैं डॉगी ला देता हूँ। हाथ जाऊंगा कैसा, ये तरीका है। वो अकेला बंदर ने 4 बिस्किट खाया, दूसरे को भी चांस देना चाहिए, तो बिजी है। चने 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 नहीं उड़ूं खाते। ए टिल्लू ले दे, एक मीर ले दे। ये बात कितने पन टिल्लू है? अरे पप्पू मैं एक भी नहीं देलूं, खाली एक जने लग देलूं। अरे पप्पू मैं एक भी नहीं देलूं, खाली एक जने लग देलूं। अरे पप्पू मैं एक भी नहीं देलूं, खाली एक जने लग देलूं। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो बाय, तेरे को यहाँ से जाने दो। ये शाना बंदा सब लोग को डरा रहा है। The next day. बेसिकली कल हम लोग ने हॉर्स राइड किया था, एंजॉय किया हॉर्स राइडिंग, और जंगल में से मस्त अकेला चला के लेके जा रहा था मैं। सो आज हम लोग ने सोचा कि कल हॉर्स राइड किया तो आज हम लोग बाय वॉक एक्सप्लोर करते हैं माथेरान। अभी हम लोग जा रहे हैं 1 ट्री पॉइंट।